हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट इयररिंग्स विथ पेंडेंट। इसके मैचिंग में पेंडेंट बनाना दिखाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, वो 0.5 mm, सीजर, ग्लू, गोल्डन बीट्स, जंप रिंग, कैप, इयररिंग हुक, पर्ल, हेड पिन, गोल्डन चेन, कटर, प्लायर, स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लावर बनाएंगे। एक रिंग बनाएंगे। रिंग बन गई। अब हम बनाएंगे चेन 1, 2। इस रिंग में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। नेक्स्ट 2 चेन। इस रिंग में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे। नेक्स्ट 2 चेन 1, 2। इस रिंग में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 4 पेटल्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, 4 पेटल्स हमने बना लिए। अब हम बनाएंगे 2 चेन 1, 2। नेक्स्ट इस रिंग में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे। नेक्स्ट 1, 2, 2 चेन। इस रिंग में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन 1, 2, यहाँ 1, 2 2 चेन बनाएं। फर्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे। इससे पहले हम यहाँ कलर चेंज करेंगे। यहाँ हुक डालेंगे स्ट्रेट को, यहाँ लगाएंगे। कलर चेंज करना है हमें। नेक्स्ट 3 चेन 1, 2, 3 सेम स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ जहाँ हमने 3 चेन बनाए सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 2
डबल क्रोशे वन, डबल क्रोशे सेम स्टिच में वन, डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, यहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाए, सिंगल क्रोशे के ऊपर यहाँ फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे बनाएंगे वन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे वन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे नेक्स्ट टू चेन, यहाँ सिंगल क्रोशे के ऊपर वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से फोर पेटल्स वन टू बना लिए थ्री फोर इसी तरह बनाएंगे फ्रेंड्स फोर पेटल्स हमने बना लिए यहाँ सिंगल क्रोशे के ऊपर वन सिंगल क्रोशे हमने बना लिए हैं नेक्स्ट वन टू चेन नेक्स्ट फर्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे बनाएंगे वन टू नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे नेक्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे इस तरह फाइव डबल क्रोशे के ऊपर टू टू डबल क्रोशे हमने बनाए यहाँ टेन डबल क्रोशे हमने बना लिए नेक्स्ट टू चेन सिंगल क्रोशे के ऊपर वन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट वन टू चेन यहाँ फर्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर टॉप में यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे थ्रेड को कट करेंगे यहाँ से से भी हम यहां से कट कर लेंगे यहां थ्री थ्री डबल क्रोशे के ऊपर टू टू डबल क्रोशे हमने बनाए यहां फाइव डबल क्रोशे के ऊपर टू टू डबल क्रोशे टेन डबल क्रोशे बिग साइज के पेटल्स है ये अब हम यहां फर्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ थ्रेड को लगाएंगे कलर चेंज करना है हमें थ्री चेन बनाएंगे वन टू थ्री सेम स्टिच में वन डबल क्रोशे थ्री चेन यानी वन डबल क्रोशे नेक्स्ट वन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे सेम स्टिच में
टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशे। इस तरह हर एक डबल क्रोशे के ऊपर टू टू डबल क्रोशे हम बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमने टू टू डबल क्रोशे बना लिए। नेक्स्ट टू चेन वन टू, स्ट्रिंग में वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट टू चेन वन टू, यहाँ फर्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर वन हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, सेम स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू 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 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह हर एक डबल क्रोशे के ऊपर टू टू हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट टू चेन स्ट्रिंग में फिर से हम वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न्स में फिर से हम यहाँ सबसे पहले टू चेन बना लेंगे, वन टू, यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 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 टू डबल क्रोशे। नेक्स्ट टू चेन वन टू, स्ट्रिंग में यहाँ वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट टू चेन, नेक्स्ट यहाँ डबल क्रोशे के ऊपर टू डबल क्रोशे बनाएंगे, वन डबल क्रोशे, सेम स्टिच में वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 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 टू डबल क्रोशे,
नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू चेन बनाएंगे, वन टू, नेक्स्ट इस रिंग में वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट यहाँ हम पैटर्न्स में इसको इस तरह से जोड़ेंगे, टू चेन यहाँ हमने बना लिए, यहाँ से हमें फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से हुक डालना है, नेक्स्ट यहाँ हमने डबल क्रोशे बनाए, फर्स्ट वाली डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से हुक डालेंगे, नेक्स्ट थ्रेड को यहाँ इस तरह से लगाएंगे हुक में, अब इसे इस तरह से खींचेंगे, इसे एक चेन में लेना है इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ हम टू टू हाफ डबल क्रोशे बनाए, यहाँ भी हम इसी तरह टू हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में, वन हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे, सेम स्टिच में वन हाफ डबल क्रोशे, इस तरह टू टू हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, वन हाफ डबल क्रोशे, टू हाफ डबल क्रोशे, सेम स्टिच में टू हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, इस रिंग में वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट टू चेन वन टू, यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लगाएंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट है। बैक साइड में यहाँ थ्रेड को खींचेंगे, टाइट करेंगे इसे, इस रिंग को टाइट करना है हमें। इस तरह से टाइट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स अब ये फ्लावर कंप्लीट है। इस तरह से थ्री फ्लावर्स हमें बना लेना है। फ्रेंड्स अब हम इसमें स्टार्च लगाएंगे। बैक साइड में हमें स्टार्च अप्लाई करना है। फाइव पेटल्स है इसमें, सारे पेटल्स में इस तरह से स्टार्च अप्लाई करेंगे बैक साइड में।
यहाँ भी हम इसी तरह बैक साइड में स्टार्च अप्लाई करेंगे। अब हम इसे शेप देंगे। बीड्स की हेल्प से इसे हम बैक साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे। इसे भी हम इसी तरह बैक साइड से प्रेस करेंगे। शेप देना है हमें, इस तरह से बैक साइड से प्रेस करना है। नेक्स्ट यहाँ नीचे टू पेटल्स हैं, इसे भी हम इसी तरह प्रेस करेंगे बैक साइड से। इस तरह से शेप देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई हो चुकी है। अब हम बैक साइड में यहाँ ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इस तरह से चिपका देंगे। यहाँ भी हम ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को इस तरह से चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम कट कर लेंगे। चिपका देना है इस तरह से। इसे भी हम यहाँ से कट करेंगे। ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को भी इसके ऊपर इस तरह चिपका देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड है, कट कर लेंगे। इस तरह से चिपका देना है। फ्रेंड्स, अब हम हैंगिंग बनाएंगे। हेड पिन लेना है, इसमें हम पर्ल डालेंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर कैप डालेंगे, बीट्स डालेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा पिन है, इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। हुक बनाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। हाँ, इस तरह से हैंगिंग बना लेना है। अब हम सूप को थोड़ा सा इस तरह से खोलेंगे। यहाँ मिडिल में से डालेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे। इस तरह और एक फ्लावर में भी हम हैंगिंग लगा लेंगे। फ्रेंड्स, दोनों फ्लावर में इस तरह हैंगिंग लगा दिए। अब हम इसमें हुक लगाएंगे। इयररिंग बनाना है हमें। हुक को खोलेंगे यहाँ से। यहाँ मिडिल में डालेंगे इसे, इसको यहाँ से बंद करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इयररिंग्स बन गई। अब हम पेंडेंट बनाएंगे। जंप रिंग लेना है, से भी हम यहाँ मिडिल में डालेंगे। इसे हम यहाँ बंद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पेंडेंट बन गई। इसमें चेन डालेंगे। इसे लॉक में लगा देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट है। फ्रेंड्स, हमारे पेंडेंट विथ इयररिंग्स कंप्लीट है। आप भी इसे बना सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स और पेंडेंट है ये।